बोलो क्यों बुलाया मुझे? अच्छा एक काम कहा था तुमसे, उसके लिए भारी कीमत भी अदा की, शायद तुम भूल गई। नहीं याद है। अच्छा याद है तो फिर इतनी देर क्यों? सही वक्त के इंतजार में। सही वक्त? और तुम्हारा ये सही वक्त कब आएगा? सुलह की बातें कर रहा है वो, बीवी को वापस घर लाने का सोच रहा है, और तुम्हारा सही वक्त ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ना हो जाएगा तुम्हारा काम, फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं? लाखों लगाए हैं मैंने, लाखों। छोटा सा तो काम है, क्या करना है तुम्हें? मुझे और सुल्तान को अकेला घर में देखकर शोर तो मचाना है, और क्या है? तो सुल्तान घर पे होता कब है? और सच बताऊं तो सुल्तान तो तुम्हारे साए से भी भागता है, नफरत करता है वो तुमसे। क्या क्या कह रही हो तुम? मुझसे नफरत क्यों करेगा वो? और कोई भी मुझसे नफरत क्यों करेगा? आजकल काम ज्यादा है इसलिए घर देर से आता है। ये बात है। अच्छा खैर, मुझे भी घर पे बहुत काम है, बाद में आऊंगी। शहनाज, शहनाज, ओ शहनाज, 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 सुफरा, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। यहाँ कौन है? शहजाद, हो गया सारा काम? सारा काम हो गया, अब मैं खेलने जाऊं? इस वक्त कहाँ जाओगे खेलने? बस यहाँ गली के कोने तक, अंधेरे से पहले आ भी जाऊंगा। शहजाद पर मैं देखता हूँ, इरफान भाई होंगे। आप कौन? तुझसे नहीं मिलना, सुल्तान की घर वाले किधर है? तू इधर ही बैठी है। मैं रेशमा हूं, पहचानती है मुझे? सुल्तान की तरफ अड्डे पे होती हूँ। यहाँ क्यों आई? दुनिया की सबसे कम अकल बीवी को देखने आई हूँ। क्या मत मारी गई है तेरी? हीरे जैसे मरद की कदर नहीं है? कुछ तो होश के नाखून ले। किसने भेजा तुम? किसी ने नहीं, खुद ही आई हूँ। वो तो भेज भी नहीं सकता, और यकीनन तुम उसे बताकर यहां नहीं आई होगी, वरना वो तुम्हें यहां आने से कब का मना कर चुका होगा। बड़ी गलत सोच है तेरी, बड़ा याद करता है वो तुझे, उसके दिल में तेरे लिए कोई मैल नहीं है। जो मैं जानती हूं वो तुम नहीं जानती, और उसका पर्दा बिल्कुल मंजूर है मुझे। तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। वो बड़ा याद करता है तुझे, अकेला है वो, अकेला है, अकेला है तो मुझे लेने क्यों नहीं आ जाता? मैं नहीं आई थी वहां से, उसने निकाला था मुझे अपने घर से। अब जब तक लेने नहीं आएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। हाँ वो तुम सुनो, तुम जाओ यहाँ से। वो मेरे अब्बा है, वो बीमार है, उनको नहीं पता मुझे सुल्तान ने घर से निकाल दिया, उनको पता नहीं लगने देना। शहजाद ये बंद करो, मैं अब्बा को देख लूँ। ये बंद कर दरवाजा, बंद कर। तो खालू की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा पहले से बहुत बेहतर है। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं रानी से मिलने उसकी कॉलेज गई थी, काफी देर तक इंतजार करती रही, वो आई ही नहीं।
फिर एक बच्चे ने बताया कि वो तो काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। ऐसी क्या वजह हो सकती, कहीं उस औरत ने उसे कॉलेज से हटवा तो नहीं लिया? कितनी फिक्र है ना तुम्हें रानी की। मैंने छोटी बहन कहा है उसे। सोनिया, सुल्तान भाई बहुत परेशान है, उसे तुमसे शर्मिंदगी है। रहने दो। उसे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें कैसे पता? वो मैं मिला था उससे। क्यों? सोनिया, मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। मैं जानता हूं तुम उनके बगैर खुश नहीं। प्यार और मोहब्बत से बढ़कर इज्जत और गैरत होती। उसने मेरे किरदार पर हमला किया, बेइज्जत किया मुझे। मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सब? सोनिया, उसे गलत फहमी हो गई थी। मैं कोई गैर नहीं हूं, बीवी हूं उसकी। वो मुझे अपनी बीवी को नहीं समझ सका, दूसरों की बातों पे आ गया। मैं जब जब इस बारे में सोचती हूँ मेरे सर से पांव तक आग लग जाती। क्या सोच लिया उसने हमारे बारे में? सोनिया, उसे जरूरत है तुम्हारी। जरूरत है तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती, आकर मुझसे बात क्यों नहीं करता, माफी क्यों नहीं मांगता मुझसे? वो जब तक यहां नहीं आएगा, मैं सारी जिंदगी अपने बाप की चौकट पर गुजार दूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी। नहीं 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 सोनिया, मुझे मुझे यकीन है वो आएगा, वो जरूर आएगा। गुमसुम सा रहने लग गया है वो। उसे तो खालू की बीमारी के बारे में भी मालूम नहीं था, वरना वो अड्डे पर जाता है लेकिन बस सारा दिन एक तरफ खामोश बैठा रहता है। आइंदा अगर इन्हें कोई तकलीफ हुई ना तो मैं तोड़ दूं। पैसों का मसला नहीं है, शौकत चाचा से ले लूंगा। रात ज्यादा हो गई, अकेले घर जाने में डर तो नहीं लगेगा? अभी के अभी तुम दोनों मेरे घर से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सजा तो तुम दोनों की कत्ल है, लेकिन मैं अपने गंदे हाथ में करना चाहता तुम दोनों के गंदे खून से। निकलो यहां से। मुत्तकीन, कहा भी था ना तुमसे अपने घर चली जाओ, राशन पानी भिजवा दिया करूंगा। मैं कहां चली जाऊं? मैं कहा कि मेरा घर है, मैं तो यही रहूंगी ना, कहां चली जाऊं? इस घर से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, रिश्ता टूट जरूर गया था, मैं रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहती हूँ। कतरा क्यों रहे हो मुझसे? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? नजरें क्यों चुराते? कतराते क्यों हो मुझसे?
तुम्हें नस्ते को तुम्हारी ये ना ना की लट खत्म हो जाए। भाई क्या तुमसे क्या मसला है तुम्हारा? हर वक्त आ जाती हो भाई 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 की लट लगा रखी है, चैन नहीं है तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मुझे बात करने दो। अरे बात करनी क्या है, अरे आखिर बात करनी क्या है? कोई बात बात नहीं करनी है, ये आखिरी रात है तुम्हारे पास यहाँ पर। कल जब मैं घर आऊंगा तो यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, तुम समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों? सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी घर आ गए आज? हाँ जल्दी आ गया, खाने के लिए आया हूँ। भाभी तो? भाभी? किसकी भाभी? तुम्हारे भाई रफीक ने तो उसे अपनी जिंदगी में तलाक दे दी थी। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, तभी तो शहनाज ने रफीक का कत्ल किया। ये क्या शहनाज को घर से निकालेगा? शहनाज इसका जनाजा इस घर से धूमधाम से। बड़ा भाग रही थी। सुल्तान भाई, मेरी बात सुन लो। सुल्तान भाई, मेरी बात सुनो।
मेरा भाई। वो कातिल है, वो कातिल है मेरे भाई का, वो है। इसे मारा मेरे भाई को। इसने मेरे भाई को मारा है, इसे मार दिया जान से, इसे मार दिया जान से, मार दिया। ये कातिल है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैंने नहीं मारा इसको, ये ऊपर से गिरा, मैंने नहीं मारा है, झूठ बोल रही है। इसने हमला किया था मेरी इज्जत पर, इस शैतान ने, और मेरा भाई, मेरा गैरत अंताई मुझे बचाने आया, इसने उसको मार दिया। कातिल है ये, इसको ले जाओ, इसको पुलिस के हवाले करो, ये बचना नहीं चाहिए। छोड़ूंगा नहीं, झूठ बोल रही है ये। इसको पुलिस के हवाले करो, ये बचेगा नहीं, इसको ले जाओ। चलो ले जाओ इनको, ले चलो थाने इसको। एम्बुलेंस को फोन करो, मेरा भाई मर गया, मेरा एक ही भाई था। मेरा एक ही भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा घरू जवान भाई, जालिम ने मिनटों में खत्म कर दिया। क्या हुआ था उसे? शहर नहीं रहा मेरा ना, तो सब समझते हैं अकेली है, उसका कोई नहीं है, जो चाहेगा। मुझे घर में अकेला देखकर सुल्तान ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, तो मेरा भाई आ गया, उसने उसको रोका। ये झूठ झूठ है, झूठ बोल देंगे। मेरा भाई वहां पे आया था, उस अबारा चाची मुझे बचाने के लिए आया था, मेरा भाई। झूठ बोल रही हो। देखो, अपने भाई का बदला लेने के लिए कहीं मैं तुम्हारी जान ना ले लूं, आवारा हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे हाँ, कमबख्त मारी छटाक भर की लड़की, देखो मेरे बच्चे पे कैसे इल्जाम लगा रही है। मर्दूत कहीं की मासूम बच्चा था तारा, और इसके इल्जाम देखो, मर क्यों नहीं जाती तू? रामी रामी, तुम सोना क्या चाहो, यहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। सफूरा आगे आओ, बढ़ के अपनी सहेली को चुप कराओ, कैसे बिलक बिलक के रो रही है। सुल्तान ने मारा ना तुम्हारे भाई को, क्या तुमने उसे पहले मियां की तरह रास्ते से हटाया? अरे ऐसे ही रोई थी जब इसका मियां मरा था। सब्र करो, भाई। देखिए बीबी, रोना धोना बंद करें और बयान लिखवाएं। क्या बताऊं जी मैं आपको, बहुत बेकस हूं मैं, बहुत मजबूर, बेवा हूं इसी के भाई की। लेकिन ये बेगैरत मुझ पे बुरी नजर रखता है। झूठ झूठ बोल रही है ये, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इसने अपनी बीवी को महके बेच दिया। मैं झूठ बोल रही है ये, बल्कि इसने तो ऐसे इलाके पे। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। अरे छोड़ो मुझे, इंस्पेक्टर साहब, मैं घर में अकेली थी, ये वक्त से पहले घर आ गया, घर पे कोई नहीं था। अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, लेकिन उससे पहले मेरा भाई, मेरा मुहाफिज भाई आ गया। ये दोनों आपस में उलझ पड़े और इसने मेरे भाई की जान ले ली। कहाँ है जी मेरा सुल्तान? सुल्तान
थानेदार थानेदार मैं कसम खा के तुमसे कहती हूँ, मेरे सुल्तान ना कतल वतल नहीं कर सकता। आप ना सारे इल्जाम मुझ पे लगा दो, उसे छोड़ दो, कुछ नहीं किया सुल्तान ने। ये देखिए किस कमाश का आदमी है ये, ऐसी औरतों के साथ इसका मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है हम देख रहे हैं, आप जाके अपना बयान रिकॉर्ड करा दी। क्या हो गया ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? रेशमा ये इल्जाम है मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया है, और तू कर क्या रही है यहाँ पर? ये कोई औरतों के आने की जगह है, तू जा यहाँ से बस, तू जा। मेरा सुल्तान हवालात में हो और रेशमा ना है, कैसे हो सकता है भला? मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो, रेशमा का वादा है, रेशमा तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी, तुम्हें यहाँ से छुड़ा के रहेगी। तू जा ना यहाँ से। सोनिया को खबर है, उसे पता है? नहीं। रानी मुझे बताओ क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है बताओ। बेटा 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 बता तो सही, हुआ क्या है? रानी मुझे बताओ बताओ। हाँ बोलो 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 बेटा। पानी पी लो, पानी पियो, पानी पी लो बेटा, पानी पी। पापा भाई को पुलिस लेके चले गए चाची के कत्ल के सामने। क्या अब्बा ये भाई ने कत्ल नहीं किया? बड़ी भाभी झूठ बोल रही है, वो झूठी है, वो छत से गिर के मरा था, मैंने खुद देखा है, मामा भी मैंने खुद देखा है उसे। चल चल मैं थाने जा रही हूँ, मैं भी जैसे आ जा रहा हूँ, तू बहन को उसे बाहर। सुल्तान को पुलिस थाने पकड़ के ले गई है, शनाज प्रसाद ने झूठा इल्जाम लगाया है। मैं थाने जा रही हूँ, जाओ जाओ और कोई वकील को भी बुला लो। बड़ा अफसोस हुआ, कैसा वीरान हो गया है मेरा घर, मेरे बच्चे को मार दिया जालिमों ने, मार दिया मेरे बच्चे को जालिमों ने, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। विलास मैं कह रही हूँ तू सुल्तान को सजा जरूर दिलाना, फांसी दिलाना उसको, फांसी। अरे बुआ सुल्तान ने नहीं मारा तुम्हारे चाची को, अपनी करतूतों की वजह से मारा है वो। क्या है? क्या मतलब? रानी के पीछे था, छत पे गया रानी के पीछे पीछे, नीयत खराब थी उसकी रानी पे, सुल्तान आ गया उसके डर से उसने खुद ही छलांग लगाई है। सच तो यही है। अगर ऐसे है तो तुम सारे सुल्तान पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? उसके पीछे क्यों पड़ी हो? आ बेचारा, बड़ा दर्द उठा है तेरे दिल में उसके लिए? हाँ क्या बात है, अब क्या लगता है तेरा? उल्टी खोपड़ी हो तुम तो, मैंने तो इंसानियत के नाते पूछा, ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया उसने तुम्हारा? ठीक तो कह रही है, जब सुल्तान ने जाजी को मारा ही नहीं तो फिर तू क्यों उसे फांसी दिलवा रही है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है?
अरे नहीं मरता वो, नहीं फांसी चढ़ने दूंगी उसको, तुम फिक्र ना करो। जरा मजा भी तो चखाना है ना उसकी गुस्ताखियों का, सीधे रास्ते पर लाना। वो सीधा रास्ता जो सीधा शहनाज तक पहुंचता है। भाई शहनाज से टक्कर लेने वाला हमेशा घाटे का सौदा करता है, घाटे में रहता है। माफी मांगेगा तो माफ भी कर देगी शहनाज, बहुत खुले दिल की है, पर माफी तो मांगनी पड़ेगी। सुल्तान भाई को दादी के कत्ल के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले गई। सुल्तान भाई को हम बरसों से जानते हैं, वो जीदार जरूर है लेकिन शरीफ बंदा। ओ जाजी आवारा और एक लफंगा लड़का, मुझे तो लगता है इसी वजह से वो सुल्तान जैसे गैरतमंद आदमी के हाथों कत्ल हुआ है। जवान बहन है उसके घर में। और लगता है भाई लोगों आप लोगों को पता नहीं है तो उस पे इल्जाम क्या लगा है सुल्तान पे? उस पर इल्जाम ये है कि उसने अपनी बेवा भाभी पे खराब नीयत रखी थी और जाजी उनके घर आ गया, उसने आके सुल्तान को ललकारा और सुल्तान ने उसका कत्ल कर दिया। क्या वाकई यही इल्जाम लगा था? हाँ हाँ पक्की खबर है ये। वैसे आदमी पर शैतान आने में देर थोड़ी लगती है, अल्लाह बचाए, बल्कि अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाह माफ करे यार, बस तौबा करनी चाहिए। अजीत भाई आए इधर आप बैठे, आइए आइए। सुल्तान। अरे सुनिया तुम क्यों यहाँ? क्या हो गया? मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुल्तान आऊंगी, तब तक आऊंगी जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित ना कर दूं, तुम्हें यहां से आजाद ना करवा दूं। मैंने कत्ल नहीं किया है, मैंने कत्ल नहीं किया, मगर ये सब लोग समझ रहे हैं मैं कातिल हूं, मैं गुनहगार हूं, खताकार हूं। ये लोग सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे हर रिश्तेदार से नफरत करेंगे और तुम्हें भी अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। तुम यहाँ नहीं आओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुनो मेरी जान तो यहाँ पर है सुल्तान, आऊंगी बार बार आऊंगी, तुम देखना तुम्हें आजाद करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी सुल्तान। मुझे माफ कर दूं। सब भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि सोनिया सिर्फ तुम्हारी, मुझे बहुत प्यार करती है। बहुत घटिया हरकत की भाभी ने, तुम्हारे सारे एहसान भूल गई, कोई इतना कैसे गिर सकता है? शहनाज ने मेरे भाई का कत्ल किया है। शहनाज ने मरा नहीं था मेरा भाई, उसको मारा गया है। सवेरे मुलजिम की बहन को थाने लेकर के आओ, उसका बयान रिकॉर्ड करना है। मुलजिम नहीं है वो, इल्जाम साबित करने से पहले उसे मुलजिम नहीं कह सकते। आप कौन है और क्या रिश्ता है आपका सुल्तान से? मैं सुल्तान की बीवी हूँ। अच्छा, वही बीवी जो अपने शौहर से लड़के महके जाके बैठी हुई है। जब शौहर की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हों
तो बीवी मैं क्या क्या रुख करती, वरना कोई भी शरीफ औरत खाम खाम मैं के जाके नहीं बैठती। सुना है सुल्तान ने हाथ पकड़ कर तुम्हें घर से निकाला, ये भी सुना है कि तुम्हारी कोई खास अहमियत नहीं थी, बल्कि वो अपनी भाभी, मेरा मतलब है अपने भाई की जवान खूबसूरत बेवा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। भाई की मौत के बाद उसने शहनाज को महके जाने नहीं दिया, बल्कि अपने घर में रखा। बता सकती है किस रिश्ते से? तुम्हें तो शहनाज बुरी लगती होगी ना, तुम तो चाहती होगी वो अपने घर जाए, लेकिन सुल्तान उसे जाने नहीं देता होगा ना। आप जानती हैं सुल्तान ने आपके भाई को कत्ल नहीं किया, आप ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि उसने आप पर कभी भी बुरी नीयत नहीं रखी, तो फिर आप क्यों उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मैं उसकी बीवी हूं, उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, उसकी हयात की खैर मांगती हूँ। अपना इल्जाम हटा लो उसके ऊपर से, उसकी उसकी जिंदगी बख्श दे। इसी बात का तो गम कि तुम उसकी बीवी हो, काबिल नहीं हो उसके, उसके काबिल तो मैं, तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए। सौदा करूंगी। कैसा सौदा? कितना प्यार करती हूं उससे, अपनी जान से भी जिंदा देखना चाहती हूं उसको। ये भी कोई पूछने वाली बात है? शहनाज अपना मुकदमा वापस ले सकती, आप करेंगे ऐसा? एक शर्त है। कैसी शर्त मुझे बताएं? अगर तुम हमेशा के लिए मेरे और सुल्तान के दरमियान से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, तो शहनाज ये मुकदमा वापस ले लेगी। क्या सोच रही है? लगता है बेपनाह मोहब्बत सब बातें दावे ही हैं। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, वो शायद तुम दे नहीं सकती। सोच लो, अगर तुम नहीं मानती तो फांसी। मुकद्दर है सुल्तान का, क्या फायदा? ना वो तुम्हें मिलेगा ना मेरे नाम लगेगा। हाँ, लेकिन अगर तुम मान जाती हो, मैं मुकदमा वापस ले देती हूँ, तुम वो जिंदा रहेगा ना, वो जिएगा। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जवाब मुझे अभी के भी चाहिए। मैं ज्यादा वक्त लूंगी भी नहीं, वो जिंदा रहे और मुझे क्या चाहिए? मुझे मंजूर है।